लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। परमेश्वराय नमो नमः। देवादि देव भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। महादेव महादेव, इस दुष्ट वाचाल बालक जैसा दूसरा शिव निंदक मैंने नहीं देखा। इसने तारक पुत्रों को भ्रष्ट किया है, दीति को उन्मत्त बना दिया है। इसे उचित दंड दे महादेव। अपना तीसरा नेत्र खोलकर इसे यहीं भस्म कर दे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप किसके भस्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं? गौरी पुत्र, ये दुष्ट बालक घोर पापी है, शिवनिंदक है। दैत्य गुरु, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। पापी और शिव निंदक भगवान शिव के समीप कैलाश कैसे आ सकता है? आप और आपके शिष्यों को आस्थाहीन बनाने का मेरा उद्देश्य तो पूर्ण हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब आपकी प्रार्थना पर महारुद्र भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म करें, उससे पहले मैं स्वयं को गौरी पुत्र में विसर्जित कर देता हूँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। क्या ये आप ही की लीला थी महादेव, अथवा गौरी पुत्र श्री गणेश ने मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये खेल खेला है? शुक्राचार्य, अब आप दैत्य गुरु का पद छोड़कर लोक कल्याण और जनहित का कार्य कीजिए। हे मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश, क्या ये अज्ञानी शुक्राचार्य आपके परामर्श का कारण जान सकता है? अवश्य दैत्य गुरु, आप शिव आराधना करके सदा दैत्यों के कल्याण की बात सोचते हैं। दैत्यों के कल्याण की बात सोचना तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परम कर्तव्य है। आप यह क्यों नहीं सोचते शुक्राचार्य कि आपकी प्रेरणा से वरदानी बनकर दैत्य कितने भयानक, विध्वंसक और अत्याचारी बन जाते हैं? शुक्राचार्य, मंगल मूर्ति गणेश का कथन आपके भविष्य का संकेत है। आज से पहले आपकी प्रेरणा से जिस असुर ने भी वरदान प्राप्त किया वो भयानक अत्याचारी बनकर श्री महागणेश अथवा उनके अवतारों द्वारा मारा गया। क्या आप इसीलिए दैत्यों और असुरों को वरदान दिलवाते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आज तक आपने जो भूल की है उन्हें हम आपकी सच्ची शिव भक्ति के कारण क्षमा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भविष्य में भी अपनी आराधना से प्राप्त की हुई शक्ति को तामसी तत्वों को प्रेरित करने में ना लगाएं, सबके कल्याण की भावना अपने मन में रखें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिव तुम्हारे संहारक हैं, उसके नाम की आराधना उसे और भी शक्तिशाली बना देगी। जय
जाओ और शिव आराधना करने वाले को दंडित करो। संसार में शिव का नाम लेने वाला भी जीवित नहीं बचना चाहिए। जो आज्ञा दैत्य माता। विध्वंसक दैत्य सेना प्रकट हो। वरदानी असुर सेना प्रकट हो। वरदानी असुर राज माली और दैत्य माता दीति की। दैत्य वीरों, इस संसार से शिव आराधना करने वालों का नाम मिटा दो। असुर वीरों, शिव भक्तों को दंडित करो। जो आ गया असुर राज। हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तुम कौन हो वत्स और हमें त्रिदेवों की आराधना करने से क्यों रोक रहे हो? त्रिदेवों की आराधना करना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का कर्तव्य है। कौन त्रिदेव? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा परिचय संसार को गति देने वाले त्रिदेवों से नहीं करवाया? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार के कर्ता हर्ता और पालन करता है। परंतु आज से इस संसार में नए त्रिदेवों का जन्म हुआ है जिनका नाम है तारकाक्ष कमलाक्ष और विद्युन्माली। यदि आराधना करनी है तो इन तीनों की करो। हम तुम्हें जीवन दान देंगे। मूर्खता की बातें करके अज्ञान का परिचय न दो वत्स। राक्षस दैत्य असुर दानव आराधना और पूजा सम्मान के नहीं, हम ऋषि मुनियों के श्राप के पात्र होते हैं। हमारा समय व्यर्थ न करो अन्यथा हमारे श्राप से भस्म हो जाओगे। देखते क्या हो असुर वीरों, अपनी विध्वंसक शक्ति से इन दुष्टों को भस्म कर दो। दैत्य वीरो, तुम्हें स्वयंभू सम्राट तारकासुर की सौगंध स्वर्ग पर अधिकार कर लो। स्वर्ग तुम्हारा है। स्वर्ग के सुख भोग पर केवल तुम्हारा अधिकार है। स्वर्ग विजय करके महान सुख का भोग कर लो। जो आज्ञा असुर राज। चलो दैत्य वीरो, स्वर्ग पर अधिकार करो। असुर राज कमलाक्ष विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। असुर राज कमलाक्ष विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। वरदानी असुर राज कमलाक्ष विद्युन्माली और दैत्य माता दीति की। जय जय शिवा गणेश। असुर जाति के साथ छल करने वाला यह भयासुर ढोंगी है पाखंडी है। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय शिवा गणेश। मृत्यु की कामना लेकर तारक पुत्रों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने आए दैत्य और असुर वीरों, मेरी तुमसे व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है। यदि तुम सब स्वर्ग के सुख का भोग करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ श्री महागणेश की जय जयकार करते हुए स्वर्ग लोक चलो। असुर जाति के साथ छल करने वाले दुष्ट भयासुर, हमें छलने का प्रयास मत करो। अपनी मृत्यु को सामने देखकर हमें स्वर्ग सुख का प्रलोभन दिखा रहे हो। सावधान, वरदानी कमलाक्ष और विद्युन्माली के प्रहार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री महागणेश। इनकी मृत्यु ही इन्हें यहाँ खींच लाई है। अब तुम सब
मेरे प्रहारों से जीवित नहीं बचोगे। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। परम देव श्री मां गणेश की परम पावन भक्ति को छोड़कर आप दोनों पुनः मोह माया में लीन हो गई। जो दुष्टता करेगा उसे दंडित तो करना ही होगा। आप दोनों उन दुष्टों की चिंता ना करें, कृपया अपने अपने आसन पर विराजमान हो। जय जय श्री मां गणेश। 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 दुष्ट मत्सरासुर, तेरे ही कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। तू जीवित रहने के योग्य नहीं है। जीवित रहने के योग्य तो तू नहीं है दुष्ट। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करके मेरे योग्य वरदान मांगने वाले थे, तब तू अपनी दुष्टता के साथ कैलाश पहुंच गया। मैं वहां पहुंचा नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दंड प्रहार ने मुझे वहां पहुंचा दिया। किंतु जैसे तेरा जन्म मेरे शरीर से हुआ है, वैसे ही मैं अपनी इच्छा से तुझे समाप्त कर दूंगा। तू क्या मुझे समाप्त करेगा कायरेंद्र? तेरे भीतर तो कुछ मत्सर की ही शक्ति थी, अब तो तू और भी अधिक निर्बल हो गया है। दुष्ट मत्सरासुर, मेरा प्रहार तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। रक्षा करे परमदेव। शीघ्र प्रकट हो परमदेव श्री महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो महागणेश, प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो महागणेश, शीघ्र प्रकट हो। मत्सरासुर की भयानक और विध्वंसक शक्तियों के सामने अब कोई भी प्रकट होने का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे प्रहार इस इंद्र की भांति तुम सबको समाप्त कर देंगे। सावधान मत्सरासुर, परमदेव श्री महागणेश के भक्तों पर अपनी कुदृष्टि डालकर तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है मत्सरासुर। सर्वनाश किसका होगा ये मैं अभी सिद्ध किए देता हूँ।